ऑक्सीजन सेचुरेशन को शरीर में सही बनाए रखने के लिए मैं कुछ नेचुरल तरीके आपको बताता हूं। उसमें सबसे पहले है कि दिन में 2-3 बार आप आधा कप से 1 कप गर्म पानी पीते रहें। नंबर 2, नाक आपकी खुली रहे उसके लिए आप स्टीमिंग करते रहें। स्टीमिंग के लिए आप गर्म पानी का प्रयोग कर सकते हैं, या इसी गर्म पानी में 1-2 बूंद यदि यूकेलिप्टस ऑयल आप डालेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। साथ में कपूर और अजवाइन, इनको थोड़ा थोड़ा लेकर के आप रुमाल में बांध लें, किसी कपड़े में बांध लें, और इनको जब सूंघते हैं तो तेजी से सांस लेते हैं तो भी आपका नेजल पैसेज खुल जाता है और आपका ब्रीदिंग अच्छा हो जाता है। इसके अलावा आप लौंग चूसिए, साबुत काली मिर्च चूसिए, थोड़ी देर बाद अजवाइन और चुटकी भर सेंधा नमक मिला के चूसिए। इससे भी आपका रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो खुलता है और आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन अच्छा होता है। इसके अलावा एक पाउडर जिसका नाम है सीतोपलादी चूर्ण, वो सभी आयुर्वेदिक कंपनियां उसका निर्माण करती हैं। इस सीतोपलादी चूर्ण का आधा चम्मच शहद के साथ मिला करके यदि आप दिन में 2 बार लेते हैं तो इससे भी आप देखेंगे आपका रेस्पिरेटरी पैसेज खुला रहेगा, किसी तरह का नेजल कंजेशन नहीं रहेगा, थ्रोट कंजेशन नहीं रहेगा, और आपको जो है बहुत मदद मिलेगी। एंड इनके अलावा एक पोजीशन होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोन पोजीशन, जिसमें आपको उल्टा लेटना होता है। जब आप उल्टा लेट करके एक तरह से डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उससे भी हमारे जो फेफड़े होते हैं, हमारे लंग्स, वो एक्सपेंड करते हैं और आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन अच्छा होता है। इसको आप जो कोविड के पेशेंट हैं वो जरूर ये कोशिश करें कि वो जितना अधिक से अधिक हो सके वो उल्टा यानी कि पेट के बल लेटें। इसके बाद आप अपनी शक्ति के हिसाब से प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, और एक बात बहुत ध्यान रखें कि अपने शरीर की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कभी ना बढ़ने दें। इन जनरल ऐसा हम कर सकते हैं बिल्कुल हल्का खाना खा करके, अपने शरीर को बिना थका के रख करके, मानसिक तनाव से दूर रह करके, क्योंकि जब भी हम मानसिक तनाव में रहते हैं, जब भी हम भारी खाना खाते हैं, हमारी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सो प्लीज, अगर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो इट शुड बी वेरी लाइट, आपको जो थकाए नहीं। इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा।